हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ हमारा जो दिया गया है अपराजिता, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका का नाम शिवानी है। इस पाठ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक दिव्यांग, एक विकलांग व्यक्ति में भी असीम क्षमताएं होती हैं, ज़रूरत होती है कि उसे उभारने की, उसे सबके सामने लाने की। हमें अपनी विकलांगता को, दिव्यांगता को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनानी चाहिए। हमारा जीवन अगर बचा हुआ है तो उसके पीछे भी भगवान का कोई उद्देश्य होता है, इसलिए हमें अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो हम लोग आज इस पाठ में अपराजिता की कहानी पढ़ेंगे। अपराजिता का अर्थ ही होता है कभी पराजित ना होने वाला, और अपराजिता एक लड़की का भी नाम है जिसके बारे में इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और वो दिव्यांग लड़की है। उसके बारे में हम लोग एक कहानी यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि काफ़ी प्रेरक है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हर कोई को अपने जीवन से कुछ ना कुछ शिकायत होती है कि मेरे पास कुछ और होता तो काफ़ी अच्छा होता, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास होता तो काफ़ी अच्छा होता, अपना जीवन खाली लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्तित्व हमारी नज़रों में आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है संसार में, कि हमें लगता है कि मेरी कमी तो उसकी कमी के आगे कुछ नहीं है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न करके हमने उसे वंचित तो नहीं किया। कि हमें कभी कभी भगवान से शिकायत होती है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या उससे ज़्यादा गलत तो नहीं ना किया है कि जिसके शरीर के अंग को उन्होंने छीन लिया है। फिर क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हैं, हाथ पैर हमारे सलामत है, तो इसके लिए हम लोग को भगवान से थैंक्स कहना चाहिए। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस कर नहीं कि एक ऐसे व्यक्तित्व से मिली है लेखिका कि वहाँ उसके व्यक्तित्व को देख करके उसे लगता है कि उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, भगवान ने उसे बहुत कुछ छीन लिया उसके बावजूद भी। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अहाता बरामदा को कहा जाता है, आगे का भाग को तो जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का दरवाज़ा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर कर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। केवल पीछे की सीट से व्हील चेयर निकाला गया, पर उसमें कोई कैसे बैठेगा इसकी परवाह किए बगैर वो भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। नीचे का भाग पूरा निर्जीव था, पैरालाइज था। सहारे से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठरी के भीतर चली गई। वो खुद पर इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती कि नीचे का धड़ से नीचे का भाग बिल्कुल निर्जीव होने के बावजूद भी वह पूरे कार्य को अपने से करती थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी, किसी देवी के अवतार से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया।
उस विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसमें नकारात्मक भावनाएं आती चली गई। उसका हाथ कट जाने से कि अब वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वह दूसरे पर डिपेंड है, ऐसा सोच करके उसमें नकारात्मक भावनाएं भरती चली गई थी उस युवक में। लेखिका यहाँ उस युवक को यह कहानी बताना चाह रही है स्पेशली कि देखो, तुमसे भी भयानक रूप से परेशान व्यक्ति भी हैं जो कि हंसते हुए सारे दुखों को झेलते हैं और अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखते हैं। खो बैठा वह दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई। नूर मंजिल की शरण का मतलब होता है मानसिक रोगियों का जो अस्पताल होता है, मेंटल हॉस्पिटल, वहां उसको जाना पड़ा। अंततः केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया, बाकी सारे शरीर उसका सही था। केवल एक हाथ खो दिया था तो उसने हथियार डाल दिया था। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण है, मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। कि एक चंद्रा नाम की लड़की है जो कि अब व्हील चेयर पर खुद ही चढ़ती है, जिसका निचला धड़ बिल्कुल निष्प्राण है, धड़ में कोई जान नहीं है, कोई भावना नहीं है, फिर भी वह चेहरे पर हमेशा खुशी रहता है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। उसकी आंखों में जो सपने हैं वो सपने सकारात्मक हैं, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान सकारात्मक है। कभी भी वह इसके लिए भगवान को दोषी नहीं देती हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। शिवानी के घर में वह जो विकलांग महिला है चंद्रा है, वह उतरती है अपने व्हील चेयर से, आगे जाती है और ये बातें पूछती हैं। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। इतनी उत्कंठ लालसा उसमें, इतना उत्कट इच्छा उसके मन में कि वह कुछ कर दिखाना चाहती है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए फिजिकली होना सही होना ठीक हो, मेंटली अगर हम ठीक हैं तो सारे काम संभव हैं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सर पर टूट पड़ा हो है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उस जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था, मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में उसका पूरा शरीर निर्जीव हो गया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा, अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी, जो 1.5 साल की अवस्था में ही पोलियो की शिकार हो गई थी। सिर निचला सिर धड़ का नीचे का पूरा भाग उसका निर्जीव हो गया था। वह पीएचडी की डिग्री धारण कर रही थी। किस तरह से, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सहारा भी ना दें, मैं थोड़ी सी सहारा के लिए किसी पर डिपेंड ना रहूं। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है, मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। वह सारे काम को अपने से निपटाती है, कहीं भी आना जाना हो, कुछ करना हो तो वह खुद करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ली है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथ की पहुँच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सूत्री कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। ये यूं ही नहीं हो गया, इतना आसान नहीं था, उसके लगातार मेहनत और कठिन परिश्रम से ही यह संभव हो सका था। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं कि देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को, उसकी माँ का उसमें के को इस काबिल बनाना, इस लायक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसा कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत 1976 में हुआ।
में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग जो विकलांग होती हैं, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब से सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया, पूरा शरीर गर्दन के नीचे का भाग अचल हो गया, उसमें कोई गति नहीं थी। भयभीत होकर उन्होंने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। ये थी हमारी कहानी, और ये कहानी को हम लोग को दो पार्ट करना होगा, नहीं तो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका जो अगला पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।